हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यानी कि जब भी आपके सामने एआई वर्ड आए तो आप क्या सोचते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कब ये लॉन्च हुआ था, मतलब इसका उपयोग क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसकी तैयारी करने के लिए आपको किन किन नॉलेज की जरूरत पड़ने वाली, ये सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नीट क्लासेस फैमिली में, और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। सबसे पहला चीज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ से हमारे जगह पे काम करने के लिए, यानी कि नॉर्मल भाषा में बताया जाता है कि जो भी रोबोटिक वर्क होता है, यानी कि एक तरफ से जैसे हम जो भी सोचते हैं, जो भी सोच के काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, सेम प्रोसीजर आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर जो भी मशीन होता है उसे सोचने समझने के काम करने का प्रोसीजर जो भी बताया जाता है, जो ऑटोमेटिक वो करता है, वही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। यानी कि कोई भी एक कंप्यूटर, कोई भी एक रोबोट जो अपने स्वयं काम करे, जो स्वयं सोचे, स्वयं निर्धारित करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। और इसी के जरिए आप सारा काम इस समय देख सकते हैं, सारा काम इसी के थ्रू हो रहा है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आया, तो इसका तो सन दोस्तों 1950 यानी कि 1950 ईस्वी में तो आया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उपयोग 1981 ईस्वी में होने लगा। आज के समय में दोस्तों आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत ही ज्यादा है। नॉर्मल भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल का उपयोग आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे अलग अलग होटल्स पर जा सकते हैं, हॉस्पिटल पर जा सकते हैं, जहां पे रोबोटिक सारा काम कर रहे हैं, खुद पानी लाते हैं, खुद चाय पिलाते हैं, खुद खाना खिलाते हैं, तो ऐसे आप रोबोटिक सारा चीज समझ सकते हैं। अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, तो आप आसानी से कोई भी मूवी देख सकते हैं, जैसे कि रोबोट मूवी जो आपने इंडिया का मूवी बनाया गया था, जिसमें रोबोट के कैसे सोचने समझने की सारा प्रोसीजर उसमें दिया था, उसके जरिए आप समझ सकते हैं। या आप अगर हॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो ब्लेड रनर या टर्मिनेटर, ये सारी मूवी देख कर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो कैसे वर्क करता है और उसका यूज क्या होता है। आप कहीं भी किसी होटल में जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे अर्बन एरिया में, या आप अपने देश को जैसे अगर आप किसी बड़े सिटी में जाते तो वहां पे आप देख सकते हैं काफी यूजेस चल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आज के समय में दोस्तों, इस समय के दोस्तों, आगे चलने वाले फ्यूचर में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगर दोस्तों नॉर्मल भाषा में दो तीन स्टेप बताएं, तो जैसे कि आज के समय में जो भी कंप्यूटर गेमिंग्स है, एक्सपोर्ट सिस्टम जो भी है, विजन सिस्टम जो भी है, स्पीच रिकॉग्निशन जो भी है, इंटेलिजेंस रोबोट जो भी वर्क कर रहे, वो सारा हमारा एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और इसी के जरिए सारा काम हो रहा है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं, तो आज के समय में जो आपको एरोप्लेन देखने को मिल जाता है, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, कैसे उनका रूटीन होता है, किस रास्ते जाना है, कब लैंडिंग करना है, कब आपको टेक ऑफ करना है, ये सारा चीज आपका एक बहुत ही अहम भाग है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, और इसी के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए सारा काम होता है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है। अगर इसके दोस्तों हम सबसे दिक्कत यह है कि आज के समय में सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर एक अनुमान निकाला जाए, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, उसके मुताबिक दोस्तों ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों का बेरोजगार हो चुके हैं, यानी कि 1.5 लाख लोगों के जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होने लगा है, यानी कि मनुष्य के जगह पे रोबोट काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, हमारे वर्कर के लिए, जो लोग जैसे जो वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये शर्मिंदगी की बात है कि उनके जगह पे आर्टिफिशियल रोबोट सब वर्क करते हैं। अगर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें, तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला चीज दोस्तों, कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऐसे और काफी सब्जेक्ट की आपको बहुत ही जरूरत पड़ती है, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ने के लिए, तैयारी कराने के लिए फायदेमंद होती है। तो इन सारी चीजों की तैयारी करके अगर आप आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसका अलग से कोर्स भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ऐसे और इंटरेस्टिंग नॉलेज जानने के लिए और भी काफी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।